सबसे पहले तो मैं तमाम चाहने वालों को बहुत 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 ही याद करते हुए आप तमाम को आज के दिन की मुबारकबादी दे रहा हूँ, क्योंकि आज है विश्व रेडियो दिवस। और वेंद्र भाई, आप जानते हैं ना कि रेडियो एक ऐसी बेहतरीन चीज़ है कि कम से कम कमाने वाला और गरीब इंसान भी रेडियो सुन सकता है। मैंने आज से तकरीबन 30-40 साल पहले मुझे ये भी नहीं मालूम था कि अमीन साहब इतने बड़े अनाउंसर हैं और पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं। तब मैं एक जगह पर बैठा हुआ रेडियो सलोन सुना करता था और बीना का गीतमाला 8 बजे जब शुरू होती थी ना, दुनिया के तमाम इंसान तमाम काम छोड़कर रेडियो सुनने के लिए आ जाया करते थे, और वो था बीना का गीतमाला। बंदर भाइयों, मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से आकर्षित हो जाऊंगा ये लाजवाब आवाज़ से। और एक रोज़ यही आवाज़ में मैं स्टेज प्रोग्राम्स, रेडियो प्रोग्राम्स और दूरदर्शन पे भी मेरी जाहिरातें यानी स्पोर्ट्स जिंगल्स आया करेंगी। मेनू भाइयों, वैसे मेरा नाम है शेख मोहम्मद हुसैन, MD शेख के नाम से सब मुझे पहचानते हैं। तो मैं हमेशा जब किसी को फ़ोन किया करता था ना, तो MD शेख के साथ में अमीन सयानी भी बोल दिया करता था ताकि वो पहचान ले, क्योंकि शेख साहब तो बहुत सारे हैं। बनो भाइयों, ये नाम शेख साहब अमीन सयानी में किस तरह से तब्दील हो गया, उसकी छोटी सी बात है लेकिन बड़े मज़े की बात है। ये सबसे पहले मैं आपको कहूँ कि हम जहाँ रहते थे ना, वह इर्द गिर्द लाइट नहीं थी, तो फिर हम रिहर्सल किस तरह करते, प्रैक्टिस किस तरह करते। तो फिर जहाँ पर सामने से आवाज़ आ सकती है वहाँ पर रूम के कोने में खड़े हो जाया करते थे, और कोने में खड़े होकर बोलते थे हेलो 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 आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा से, हवे आप अगत्यना समाचार सांभळशो। इस तरह से अकेले अकेले प्रैक्टिस किया करता था। और मैं भाइयों कहूँगा तो आपको कुछ हैरानी मालूम होगी कि मैं मटके के अंदर मुंह डालकर और यही आवाज़ सुनता था, हेलो आकाशवाणी से, घोर अंधकार छाया हुआ था। अब बस बहनों भाइयों, मुझे मालूम नहीं था कि ये प्रैक्टिस जो है आहिस्ता आहिस्ता मुझे लोगों के सामने खड़ा कर देगी और लोग मुझे पहचानते हो जाएंगे। बस इसी तरह से मैं बना अमीन सयानी की कॉपी करने वाला अमीन सयानी जूनियर। ये तकरीबन 1964 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ, और उसके बाद में बनो भाइयों आहिस्ता आहिस्ता म्यूजिकल प्रोग्राम शुरू हुए, बैनर शुरू हुआ, और मैंने अमीन सयानी जूनियर नाइट पूरे गुजरात में 1990s इस तरह से की, और वहाँ तक तो मैं काफ़ी मशहूर हो गया। वैसे बनो भाइयों, मैं कामदार राज्य बीमा योजना स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस किया करता था, और वहाँ पर भी जब स्टाफ पूरा चला जाए तो रूम बंद करके अकेला अकेला प्रैक्टिस किया करता था, और इस तरह से मेरी सफर आगे बढ़ी। बहनों भाइयों, इसके बाद में तो बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ में मुझे लाइव एंकरिंग का मौका मिला। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि फिल्मी दुनिया के टॉप के 3 ज़बरदस्त नाम मोहम्मद रफ़ी साहब, नौशाद साहब और दिलीप साहब, ये तीनों के मैंने लाइव एंकरिंग किए हैं। नौशाद साहब के प्रोग्राम तो हम श्री अमरीश परित, जो हमारे ग्रुप के डायरेक्टर थे, म्यूजिक डायरेक्टर, बिसराता सूर नाम का ग्रुप था, और इस बिसराता सूर भूले बिसरे ढंग में इसको लेकर हम बम्बई जाया करते थे संगीत सम्राट नौशाद नाइट के लिए। और बहनों भाइयों, उस प्रोग्राम में नौशाद साहब खुद तशरीफ लाते थे, कई फिल्मी कलाकार आकर पुरानी फिल्मों के नगमे सुना करते थे। बहनों भाइयों, ये शोहरत अहमदाबाद से गुजरात और गुजरात से बम्बई तक पहुंच गई। कई फिल्मी कलाकार कहते थे, भैया अब अहमदाबाद में क्या कर रहे हो, बम्बई आ जाओ। मैंने कहा, नहीं भैया, यहाँ जो दाल रोटी मिल रही है ना, उसी में मज़ा है। हाँ, बात यह है
विविध भारती पर और इस रेडियो पर जिंगल्स की एडवर्टाइजमेंट आया करती थी और मेरी आवाज़ जो थी अमीन साहब से मिलती जुलती थी, इसलिए लोग अक्सर मुझे स्पोर्ट्स और जिंगल्स के लिए बुलाया करती थी और मैं इस तरह से कमर्शियल जिंगल्स हुआ करती थी, उनकी एडवर्टाइजमेंट किया करता था। और इस दौरान ये रेडियो के स्टाफ से मुलाकातें हुई और उसमें मेरा बेटा शहजाद हुसैन विविध भारती में फरमाइशी प्रोग्राम पेश किया करता था, तो इस तरह से और भी नज़दीक आ गए। और उन्होंने मुझे कहा, तब कई कलाकारों की बर्थडे पर या फिर ऐसे खास मौके पर फिल्मी कलाकारों को लेकर उनके स्पेशल प्रोग्राम हुआ करते थे, तब वो प्रोग्राम का अनाउंसमेंट मैं किया करता था। मैंने कई फिल्मों की खास तौर पे ये एडवर्टाइजमेंट की है, इसलिए फिल्मों की खास तौर पर गुजराती फिल्मों की बहुत बहुत की है। महेश कुमार और नरेश कुमार का नाम था और उन्हीं के लिए मैं गुजराती में अमीन साइनी साहब की आवाज़ में ये सब तमाम एडवर्टाइजमेंट किया करता था। कि पहली जो एडवर्टाइजमेंट थी वो नौशाद साहब अहमदाबाद में आए थे और अगरबत्ती वर्क वाला अगरबत्ती का उद्घाटन, उनका ओपनिंग सेरेमनी नौशाद साहब ने किया था। सपना सपना तुम्हारी महक दिलो दिमाग में छा गई है, सपना अगरबत्ती अगरबत्ती की दुनिया में महकता हुआ नाम, सपना अगरबत्ती बनाने वाले ए वर्क वाला एंड सन्स। जी हाँ तुम्हें भाइयों, ये एड पूरे पूरे गुजरात में हंगामा मचा दिया इस एड ने रेडियो पर, और उसके बाद में तो कई एडवर्टाइजमेंट मुझे करने को मिली। बंधु भाइयों, आज भी मैं प्रोग्राम करता हूँ, अभी मैंने 2-3 नाइट की म्यूजिकल नाइट, लेकिन बंधु भाइयों सिलेक्टेड प्रोग्राम करता हूँ, और अगर खुदा ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, तो जब तक वो मुझे ताकत देगा मैं मेरे दोस्तों को नाराज नहीं करूँगा। हाँ तो बंधु भाइयों, ये तो मैं 20-22 साल का था तब से स्टेज पर आया, लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं 1958 में स्कूल से हमारे अहमदाबाद के टाउन हॉल में उसके स्टेज पर आया और वहाँ पर मैंने ड्रामा में एंट्री की। और बंधु भाइयों, बहुत कम सी उम्र थी, मैं 8th स्टैंडर्ड में था उस वक्त। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स रिहर्सल में एब्सेंट रहते थे उन तमाम के डायलॉग्स में मुंह पे बोल दिया करता था। इस तरह से कुदरती ही मुझे बचपन से लगाव रहा। और उसके बाद में 64 में तो मैं बाकायदा स्टेज पर आ गया और आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की दुनिया में आगे बढ़ता गया और टीवी और रेडियो दोनों में भी किया। वैसे टेलीविज़न पर मैंने सीरियलें की हैं, उसमें से कसौटी सीरियल जो थी वो 13 हफ्ते की थी। और इसके बाद में बहनों भाइयों कई टीवी प्रोग्राम्स में, ई टीवी में वगैरह मैं मिमिक्री भी किया करता था और मिमिक्री की वजह से इन प्रोग्राम में मैं हास्य प्रोग्राम भी किया करता था। मेरी बजट है 10 जुलाई 1954। क्यों मजा आया ना? आपके व्हाट्सएप ने बेटा उठा लिया।
महेश नरेश कनोड़िया अपने उधर के क्या ना यहाँ दिन के समय उधर का दोनों भाई क्या बात है सब अपने अमरेश्वर का अमरेश्वरी का बड़ा भाई अभी इतना ज्यादा वो नहीं रखते नहीं पब्लिसिटी में नहीं है छोटा था उसका पांच सात फिल्मों में काम किया फिर तो ज्यादा नहीं है रीटा भादरी शबाना आजमी का लिया है मैंने इंटरव्यू एहसान कुरैशी आए थे तो लिया था मैंने कॉमेडी क्रिकेट मैच थी क्रिकेट मैच का अनाउंसमेंट इन्होंने किया ये फोटो मायापुरी में भी आ गया